चलिए निम्स सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सौमिक मिश्रा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 216 है, जो कि कोलकाता से है। तो सौमिक, सबसे पहले 216 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। इम्पिटस का सपोर्ट और आपकी मेहनत, ये दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट करता है। तो सौमिक, क्योंकि आपने ड्रॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी, उसको आप डिटेल में बताएं कि आपने कब निम सेट के लिए सोचा था, फिर जब ड्रॉप का मन बनाया तो क्या क्या चैलेंजेस आए, और फिर किस ढंग से आपने साल भर प्रिपरेशन की, और किस तरह से इम्पिटस के आपने क्लासेस, वीडियोज और टेस्टिंग पे वर्क किए। सर मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर से निमसेट के बारे में सुना सुना था, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे पहले बताया था कि निमसेट नाम का एग्जाम होता है जिसपे आप अगर एमसीए करना चाहते हो तो फिर एनआईटी से कर सकते हो। तो फिर मैंने थर्ड ईयर में मैंने लास्ट के 6 महीने तक मैंने एक XYZ नाम का एक कोचिंग में ज्वाइन किया था, और वहां पर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक जो बैच होता है वहां ज्वाइन किया था। लेकिन वहां पर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर उतना पसंद नहीं आया था, और पढ़ाई मैंने मतलब मैंने प्रिपरेशन लिया था लेकिन मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। लेकिन आखिरी के 2 महीने में मैंने आपका मैजिकल कोर्स लिया था, उसके बारे में मैंने बहुत सुना भी था। और लेकिन मैंने, जैसा आप जानते हैं कि 2023 का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था, तो फिर मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था, तो इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पैनिक कर गया था एग्जाम हॉल में, और उसके बाद मैंने ड्रॉप के बारे में सोचा। क्या रैंक लेकिन आई थी जब 2023 में दिया था आपने? ओके, मेरी 1000 के करीब रैंक थी। फिर भी आपने 2 मंथ के प्रिपरेशन के कोर्स से भी बहुत अच्छी रैंक अचीव की थी। देन देन मैंने ड्रॉप के बारे में सोचा, और ड्रॉप के पहले मेरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था कि मैं वो बार बार वही चीज मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, कि मैं उस एक बार फिर से मैं वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत घुस गया था उस 2 महीने में, और मुझे बहुत धक्का लगा था कि जब मुझे मेरा रैंक 1000 के करीब आया था। तो फिर मैं थोड़ा सा झिझक रहा था कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेना चाहिए ड्रॉप, क्योंकि आपके एक सेशन में आपने बताया था कि एक एक साल जो ड्रॉप आप लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बाकी जो आपके साल होते हैं उसमें बहुत इम्प्रूव हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट से। तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अगर पढ़ना है तो शरद सर के इम्पीटस गुरुकुल में ही पढ़ना है, क्योंकि वहीं पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है और अगर सक्सेस आना है तो वहीं से आना है। फिर मैंने ड्रॉप लिया, और मेरे साथ दो दोस्त भी थे मेरे, तो वो भी हम लोग 3 लोग एक साथ ज्वाइन किए थे आपके इम्पीटस में, और आपको तो बहुत अच्छे से फॉलो किए उसके बाद। तो ये आपका जर्नी था। अब ये बताओ, आपने जब साल भर पढ़ाई की, तो क्योंकि ड्रॉप लिया था, तो जब ड्रॉप बच्चे लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अननेसरी एक स्ट्रेस ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था या हुआ था, और हुआ था तो उसे कैसे हैंडल करा? पहले तो स्ट्रेस था क्योंकि ड्रॉप ईयर था, और आपको तो अच्छे से पता है कि ड्रॉप ईयर के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होना है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आगे की लाइफ में। लेकिन जब उसके बाद जब मैं साल के आगे बढ़ता रहा, तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे एक पेपर का एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि अगले पेपर में कौन सी गलतियां नहीं करना है मुझे, और उसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। मैं उसी तरह मैं प्रिपरेशन करता रहा, और आपकी आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल ही नहीं था सर। अच्छा, आपने आप जब टेस्ट देते थे तो स्कोर अप डाउन भी होते थे, क्योंकि इस बार इम्पिटस ने हर लेवल बहुत, पे पेपर बनाए थे, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? तो पहले 6 महीने तक मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, उसके बाद आपने थोड़ा सा पेपर में चेंजेस किए, उसके बाद मेरे स्कोर थोड़े से डाउन गए, और फिर मैं आपसे रेगुलरली बात भी करता था कि सर ऐसा पेपर डाउन जाता है, लेकिन मेरा रैंक वही टॉप 20 में ही आता था। और ओके, उसके बाद मैं आपसे व्हाट्सएप में भी आपसे कनेक्ट करता था कि सर ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आपने एक बात बोली थी और वो बात बिल्कुल सच भी निकली है, कि आप जो 200 300 टेस्ट देते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उस एग्जाम हॉल में 2 घंटे में क्या कुछ करते हैं उससे ही बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से जम गई, और आखिर में वही हुआ कि बहुत लोग जो बहुत अच्छे नंबर लाते थे वो बहुत पीछे चले गए, और मतलब टॉप 20 में मेरे आगे से भी बहुत अच्छे लोग थे लेकिन वो पीछे चले गए मेरे से, और ऐसा ही होता है। आगे जो मेरे जूनियर्स है उसे मैं यही करना कहना चाहता हूँ कि उसके टेस्ट के स्कोर्स के बारे में ज्यादा मत समझो, ज्यादा मत उसके उस उसको ज्यादा मत ये करो, और आगे बढ़ते रहो, और उस 2 घंटे में आप क्या करते हो वही ज्यादा मैटर करते हैं।
बिल्कुल सच बात बोली सोमिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप 200-300 पेपर दे रहे हैं उससे जो सीखा है उस सीख से आपका फाइनल पेपर जाएगा, और वो 2 घंटे आप कितना अच्छा अपने आप को कंट्रोल रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोमिक जब आप एग्जाम दे रहे थे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी माइंड माइंड वो क्या था, माइंड थॉट क्या था माइंड में? तो सर जो मैं जिस एग्जामिनेशन हॉल में मेरा एग्जाम हुआ था उस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे। पहले तो आपको ही पता होगा, रितम नाम का एक स्टूडेंट आपको हमारे यहाँ पढ़ता है, तो बिल्कुल, जिसका 154 ऑल इंडिया 152 रैंक है। आया था। हाँ और सॉरी, 154। तो हम लोगों का जो कंप्यूटर था वो 15-20 मिनट लेट से लॉग इन हुआ, एक तो प्रॉब्लम वही था। और दूसरा प्रॉब्लम एक था कि हम लोग पहले से ही बहुत सारे लूज शीट्स पहले से हम लोग जब एग्जाम देने बैठते थे अपने साथ लेकर बैठते थे। और एग्जाम हॉल में क्या हुआ, जब जो एग्जाम इनविजिलेटर जो थे वो एक एक पेपर एक एक टाइम पर देते थे, और उसमें क्या हुआ, अगर हम लोग एक 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 पेपर अगर खत्म हो जा रहा था तो दूसरा पेपर मांगने में 2-3 मिनट वहां पर वेस्ट हो जा रहा था, तो उससे उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ वहां पर। वो एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बोला, जैसे रिदम हुआ, आप हुए और भी कुछ लोग, इससे कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनता है। मतलब चाहे भले ही आपकी रैंक अच्छी आई, पर 2-4 क्वेश्चन और सही हो सकते थे। हाँ सर, मतलब ये जो आज रैंक है इससे भी और अच्छी रैंक हो सकती थी अगर ये वाली सिचुएशन नहीं आती। एक तो लॉग इन और टाइम लगा, फिर रफ पेपर शीट देने में इन्होंने काफी टाइम लगाया, कुछ सेंटर पे ये हुआ एक एक करके शीट दी गई, ये सब दिक्कतें हुई हैं। अगर ये नहीं होती तो शायद और अच्छी रैंक आती, पर फिर भी अंत भला तो सब भला, अल्टीमेटली आपकी एंड रैंक अच्छी है तो आज आप कम से कम इन सब चीजों से बाहर निकल गए। अब सोभिक ये बताओ, आप अपने जूनियर्स को स्ट्रांगली क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने कुछ इतनी अच्छी बातें बोली कि आपके मैसेज से कहीं ना कहीं जूनियर और वो बच्चा जो ड्रॉप लेता है, पहले तो ड्रॉप ले तो क्या सोच के ले, और अगर ड्रॉप ले रहा है तो कैसे अपना 1000% दे जिससे कि वो अच्छी रैंक अचीव करे। तो ड्रॉप अगर ले सकते हो तो ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि हमें शिवम मतलब शरद गुप्ता, हमें शरद गुप्ता सर हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका नहीं हुआ 1 साल तो फिर आप इन्वेस्ट जरूर करो अपने ऊपर, आपको इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा उसमें, कुछ आपका लॉस भी लॉस नहीं होगा उसमें। और अगर आप ड्रॉप लेने के पहले आप बहुत सोच लो, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका एक मोटो था कि अगर तुम्हें अगर पूरा भरोसा है अपने आप पर तो तुम ड्रॉप लो, हमें पूरा भरोसा है तुम पर और तुम अच्छा करोगे ड्रॉप लेने के बाद। तो बहुत सोच के ड्रॉप ड्रॉप लो, और ड्रॉप लेने के पहले ये जरूर सोच लेना कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखूंगा। मतलब मैं जब ड्रॉप लिया था कि तो मैंने 1 साल पूरा घर में ही था, बाहर जाना पूरा बंद कर दिया था। और एक एक टाइम मैं बाहर गया था, उसमें मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी, उसमें मैं गया था 5-10 दिन के लिए। उसके पहले मैं कहीं नहीं गया था, और वो भी एग्जाम के बिल्कुल पहले पहले ही था। तो फिर डेडिकेशन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन अगर मेंटेन कर सकते हो और रेगुलर 5-10 से 12 घंटे की पढ़ाई अगर कर सकते हो तो फिर ड्रॉप लो, वरना आप आगे मूव ऑन करो, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बोला सोमिक, आपने एकदम सही बात बताई। अब मैं चाहूंगा ऐसे आप NIT में भी आके जाके अच्छा परफॉर्म करो, और लाइफ में कभी आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, और बेस्ट परफॉर्म करो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सर, नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई सोमिक की जो 216 रैंक आई, और बच्चा आपका बहुत ही मोटिवेटेड और बिल्कुल फोकस बच्चा है, बहुत ही डिटर्मिनेशन है बच्चे में। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे आप सोमिक के बारे में? मैं क्या बोलूं, उसने ज्यादा परिश्रम किया है, इसीलिए जो जी कुछ जी किया वो खुद ने ही किया है, मेरा कोई भी नहीं 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 आपका एक सपोर्ट था, बाकी तो जो बच्चा करता है करता ही है। दोनों के था, उसका पापा का भी था, मेरा भी था। थैंक जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। जी आपको भी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक थैंक यू।